अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू 92 मोबाइल। दिस इज़ योर होस्ट आफ्ताब अशरफ। दोस्तों, आज की मेरी जो वीडियो है, मेरे पास इसमें रियलमी 6 प्रो है और इसमें जो है एक अपडेट आई हुई है जो कि नवंबर की अपडेट है। इसमें अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच लेवल प्रोवाइड किया गया है और इसमें कुछ नए फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस अपडेट के हवाले से मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं फुल इंस्टॉलेशन आपको दिखाऊँगा इस सारी अपडेट की, और इसमें जो नए फीचर्स आए हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल जो है डिटेल से बताऊंगा। और ये सारी इंस्टॉलेशन मैं इसी वीडियो में करूंगा। तो इसके हवाले से थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि ये अपडेट जो है 373 MB की अपडेट है और इसमें अक्टूबर 2020 का सिक्योरिटी पैच लेवल प्रोवाइड किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अक्टूबर में इसकी कोई अपडेट हमें नहीं मिली थी, तो अभी ये नवंबर के स्टार्ट में उन्होंने, रियलमी वालों ने इसमें अक्टूबर की अपडेट प्रोवाइड कर दी गई है। मतलब कि इसमें हमें अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच लेवल प्रोवाइड कर दिया गया है और आई होप कि इसमें हमें जो है उसमें नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट से पहले ही इसमें नवंबर की अपडेट अगेन मिल जाए। मतलब कि इसमें हमें नवंबर का सिक्योरिटी पैच लेवल भी देखने को मिल सकता है इस मंथ के एंड तक, आई होप सो, या फिर अगले मंथ के स्टार्ट में मिले। खैर, अभी अब हम इस अपडेट की तरफ चलते हैं। मैं सारी जो है आपको इसमें जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह है वो अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी अपने इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं ये अपडेट हमारी जो है डाउनलोड हो चुकी है और इसको हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो रिकमेंडेशंस में सब कुछ आपके इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। तो अभी हम लर्न मोर पर क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें हमें जी चीज़ प्रोवाइड की जा रही है वो है इसका अपडेटेड सिक्योरिटी पैच। तो इसमें हमें अक्टूबर 2020 का सिक्योरिटी पैच लेवल प्रोवाइड किया गया है। गेम स्पेस में ऑप्टिमाइज़ किया गया है उसको, थोड़ा सा इसकी गेम स्पेस को बेटर बनाया गया है। कॉल के हवाले से इसके लेआउट को, इंटरफेस को चेंज किया गया है, थोड़ा सा उसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है। फिक्स द प्रोबेबिलिटी इशू ऑफ द रिजेक्ट विद SMS फीचर। तो ये जो ऑटोमेटिकली हम कॉल को रिजेक्ट करते हैं SMS के साथ, उसके फीचर को भी बेहतर किया गया है। सेटिंग्स में कुछ नए टॉगल्स वगैरह ऐड कर दिए गए हैं। एडिड फिजिकल टॉगल ऑन द सेटिंग इंटरफेस ऑफ स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट का टॉगल बेटर कर दिया गया है, पहले से भी उसमें फिजिकल टॉगल ऐड कर दिया गया है। उसके अलावा एडिड टॉगल फॉर डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्रॉयर, तो जब ऐप के ड्रॉयर को ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी इसका टॉगल ऐड कर दिया गया है कि हम कीबोर्ड से उसका नाम सर्च वगैरह कर रहे हैं। एडिड फ्रॉम सनसेट टू सनराइज टॉगल फॉर आई कंफर्ट, आई कंफर्ट के लिए भी टॉगल ऐड कर दिया गया है। टॉगल फॉर सिस्टम आइकॉन इन स्टेटस बार, इसके स्टेटस बार पे हमें जो है आइकॉन का स्टाइल चेंज करने का टॉगल ऐड कर दिया गया है। एडिड सुपर पावर सेविंग मोड, तो ये भी एक नया फीचर ऐड हो गया है। एडिड मल्टी यूज़र फीचर, तो मल्टी यूज़र का फीचर भी इसमें प्रोवाइड कर दिया गया है, एक से ज़्यादा यूज़र इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा जो ऑप्टिमाइज़ द लैंग्वेज डिस्प्ले इशू ऑफ द हेट ऐप इन सम सिनेरियोस, तो ये भी एक नई चीज़ आ गई है। एल्बम में आ जाते हैं जो लास्ट चीज़ है, फिक्स द इशू ऑफ abnormal preview of the recording video interface when filming in 1080p 60 frames, तो हम जब 1080 frame पर कोई video record करते हैं तो उसमें कुछ abnormalities को observe किया है, तो उसको भी उन्होंने बेहतर बना दिया है। तो अभी हम इसको back कर लेते हैं और इसको install कर लेते हैं। तो मैं अभी update now पे click कर लेता हूँ।
ये कुछ टाइम लगाएगी, डिवाइस हमारी अब रीस्टार्ट हो रही है। डिवाइस हमारी रीस्टार्ट हो गई है, रियलमी का लोगो आ चुका है, एंड्रॉइड अपडेटिंग, प्लीज वेट, प्लीज डोंट डू एनी अदर ऑपरेशंस। तो ये हमें बता रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कोई और ऑपरेशन आप इसमें ना करें, कोई भी काम इस पर ना रन करें जब तक ये इसकी अपडेटिंग चल रही है। तो देखते हैं दोस्तों अभी ये कितना टाइम लगाती है। 353 MB इसकी टोटल अपडेट थी, ये अब 4 मिनट्स का राउंड अबाउट हमें टाइम बता रही है। तो अभी ये जब ऑलमोस्ट एंड के करीब पहुंच जाएगी तो मैं वहां से अपनी वीडियो शुरू करूँगा। जी तो दोस्तों अभी हमारी जो ये अपडेट है ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट हो चुकी है, और अभी 99% और 100%। तो अभी डिवाइस अगेन रीस्टार्ट होगी, ये देख सकते हैं जी डिवाइस हमारी रीस्टार्ट हो चुकी है, रियलमी 6 प्रो, और ये एंड्रॉयड का लोगो भी आ गया है, ऊपर रियलमी का लोगो है। तो इसके बाद कुछ टाइम ये रिस्टार्ट होने में लगाएगी, बिकॉज ये एक अपडेट के बाद स्टार्ट हो रही है डिवाइस, इसलिए इसने थोड़ा सा टाइम इधर लगाना है। तो उसके बाद हमारी डिवाइस ऑलमोस्ट रेडी टू यूज़ हो जाएगी, उसको हम फिर बाद में यूज़ कर पाएंगे। ये हमारी डिवाइस ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो चुकी है इसकी इंस्टॉलेशन, ये भी रियलमी का लोगो भी आ चुका है, और इसके बाद डिवाइस हमारी ऑलमोस्ट रेडी टू यूज़ हो जाएगी। ये एक अपडेट है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा रही है डिवाइस स्टार्ट होने में, लेकिन अभी जल्दी ही डिवाइस बिल्कुल इसका स्क्रीन प्ले जो है होने वाला है, स्क्रीन शो होने वाली है। तो उसके बाद डिवाइस हमारी ऑलमोस्ट रेडी टू यूज़ हो जाएगी। जी तो दोस्तों अभी हमारी डिवाइस जो है रेडी टू यूज़ हो चुकी है, मैं अभी इसको अनलॉक कर लेता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसका इंटरफेस अपडेट होने के बाद। तो अभी ये इसके हमने ऐप ड्रॉयर को ओपन किया, ये ऊपर सर्च का ऑप्शन है, ये कीबोर्ड हमारा नीचे आ गया है, इसके नोटिफिकेशन बार को नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सुपर पावर सेविंग मोड है, इसके अलावा म्यूट नोटिफिकेशंस और फोकस मोड, ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं। जी तो दोस्तों यही थी मेरी आज की रियलमी 6 प्रो की अपडेट की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।